पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में महंगी कारों के साइलेंसर चुराने वाली एक शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से 9 गाड़ियों के साइलेंसर सहित 70,000 रुपए की नकदी और 5,00,000 रुपए कीमत के 9 साइलेंसर बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पैसे कमाने के शौक में ये आरोपी महंगी गाड़ियों के साइलेंसर खोलकर बेच देते थे। साइलेंसर के अंदर एक विशेष तरह का पदार्थ होता है जो कि महंगा बिकता है। एक साइलेंसर में से निकलने वाला केमिकल पदार्थ 15,000 रुपए में बेच देते थे। यह चोर आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ जारी है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बताया सर, ये जो चोरों की गैंग पकड़ी है, साइलेंसर बेचते थे, क्या है पूरा मामला? ये इसमें पीथमपुर के 3 नाबालिग लड़के हैं और एक बालिग है और एक भोपाल का असलम करके एक आरोपी है, जो कि ये गैरेज पे काम साथ में करते थे भोपाल में। तो वहाँ पे जो असलम है उसने इनको बताया कि भाई जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी है उसके जो साइलेंसर हैं उसके अंदर एक प्लेटिनम जैसी धातु निकलती है, उसको ये 15,000 रुपये किलो में ख़रीदते हैं। तो उसने इनको बताया था, तो ये जो चारों आरोपी पीथमपुर के थे, तो ये यहाँ पर पिछले 2 से 3 महीनों में अलग अलग 9 गाड़ियों के कुल साइलेंसर निकाले हैं, जिसमें 7 हमारे यहाँ FIR अपराध पंजीबद्ध हैं पिछले साल के और इस साल के मिला हुआ है। तो 7 मामलों में हमने इनसे साइलेंसर और जो जिन मामलों में बेच चुके थे वो पैसे भी बरामद, कुल 70,000 रुपये और 7 मामलों के साइलेंसर बरामद कर लिए। कुल कितनी कीमत के सर ये साइलेंसर? एक साइलेंसर लगभग 75,000 से 80,000 रुपये का आता है नया साइलेंसर जी। तो इस मामले में जब ये लगातार चोरी हो रहे थे तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करी और जो हमारी थाने की पुलिस टीम थी उसने अच्छा मेहनत किया है, मुखबिरों को सक्रिय किया था। तो उनके द्वारा जो है सूचना मिली थी कि यार ये इनका बेचने और खरीदने का काम चल रहा है, तो उसी सूचना पर हमने पहले एक आरोपी को पकड़ा, तो बाद में पता चला कि वो नाबालिग है और उसके बाद फिर उससे जब पूछताछ करी तो उसने पूरी घटना को खुलासा किया, उसके आधार पर हमने सभी को पकड़ा। आपका नाम, आपको पद बता दें। मुकेश सिंह भदौरिया, TI सेक्टर 1। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।